कैंट पुलिस ने चार शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर रेलवे कॉलोनी अंडरपास से चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान सोनू कुमार यादव पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र यादव निवासी जागीर करहरिया थाना कुटवा जनपद पूर्वी चंपारण बिहार, स्वारथ प्रसाद यादव पुत्र रामजस यादव निवासी जागीर कररिया थाना कोटवा जनपद पूर्वी चंपारण बिहार तथा दीपक कुमार यादव पुत्र सोनेलाल राय निवासी बरजी थाना मोतीपुर जनपद मुजफ्फरपुर बिहार, जितेंद्र राय पुत्र स्वर्गीय बाबूलाल राय निवासी मथुरापुर थाना तुरकोलिया जनपद पूर्वी चंपारण बिहार के रूप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने तीन चोरी की मोटरसाइकिल, एक देसी तमंचा, एक मिस कारतूस, 635 गोली अल्प्राजोलम, 30,000 लूट के रुपए नगद, 2 SBI का पासबुक, 2 HDFC का पासबुक, 1 HDFC का ATM बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में कैंट थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह, क्राइम ब्रांच प्रभारी सादिक परवेज, चौकी प्रभारी रेलवे कॉलोनी कुंवर गौरव सिंह, जटेपुर चौकी प्रभारी इत्यानंद पांडे, उप निरीक्षक विजय कुमार गौड़ सहित उप निरीक्षक सुधांशु सिंह शामिल रहे।